दीजिए माननीय विधायक दाताराम गढ़से और उनके साथ है ऑनरेबल डायरेक्टर रिस्पेक्टेड सुरेश जी शर्मा। उदयपुर वाटी टीम का परिचय लेते हुए बेहतरीन मुकाबला और ये है निर्णायक मंडल जो कि बेहतरीन भूमिका निभाते हुए इस समय चाहे वो रणवा जी हो या फिर सुनील जी शर्मा हो। ये टीम है इसमें बलौदा की जो बड़ा खेल दिखाने के लिए मशहूर डायरेक्टर सर के साथ माननीय विधायक उत्साहवर्धन दोनों टीम की होनार बेटियों का दूधिया प्रकाश में खेल शुरू होता हुआ इस वक्त उदयपुर वाटी की ओर से पहला रेड सेफ कमबैक बलौदा की ओर से। अब देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं। येलो पोशाक में आंधू चली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर इंटर कॉलेज। इसमें कबड्डी टूर्नामेंट बालिका वर्ग में देख रहे हैं आप बलौदा बनाम उदयपुर वाटी के बीच ये मुकाबला। रीना रेड पे बोनस की कोशिश की गई लेकिन लाइन के इर्द गिर्द प्रयास जरूर अच्छा था शायद पॉइंट इस बार प्रयास शानदार तरीके से दिखाई दिया और बोनस अर्जित करने में कामयाब। शुरुआती क्षण खेल के इस वक्त एक बार फिर से अनु एसडी कॉलेज बलौदा येलो पोशाक में जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पहनते हैं उसी प्रकार यहां दिखाई देते हुए टच पॉइंट की मांग की गई लेकिन खामोशी वापस और फिर से देखे बोनस अर्जित करने की कोशिश। टू डाइप इसमें एस डी कॉलेज बलौदा मोहसिन जी बलौदा हमारे साथ जुड़ते हुए इस समय पिलानी विधानसभा क्षेत्र के गांव चांदपुरा से और यहां लक्ष्य तक पहुंचे बड़े रेड बलौदा टीम शुरुआती समय में खुशी से उछलते हुए डबल टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। अब सात नंबर से टच पॉइंट कॉर्नर से चुराया और टोटस से स्कोर बढ़ाया। दीपिका दमदार असरदार चमकदार साबित हो सकते हैं। 14 नंबर से इसमें प्रयासरत सेफी कमबैक दीपिका। ये रेडर लगातार दिखाई दे रही है इस साइड से देखा जाए तो उदयपुर वाटी की ओर से और ये भरोसेमंद साबित हो रही। बोनस भी अर्जित किया और फिर से प्रयास किया शानदार प्रयास और मिल भी गया। ऐसे बोनस बचा के रखने होंगे। फ्लड लाइट्स ऑन किए जा रहे हैं यहाँ पर्याप्त रोशनी को देखते हुए क्योंकि उत्तम रोशनी चाहिए ताकि खेल में दुविधा ना हो। अंशु समय ध्यान रखना होगा अंशु को। फिर से वही रेडर डिफेंस ज्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आ रहा जहां तक एसटी कॉलेज बलौदा का सवाल है और उसी से बोनस अर्जित करने की कोशिश। ये देखिए ये इनकी ताकत है बोनस अर्जित करने में कामयाब। फिर से फ्लड लाइट्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी। दीपिका 14 नंबर से दीपिका दमदार असरदार चमकदार देखते हैं अब जाए किस और खामोशी वापस और फिर वही रेडर जो कि स्टार रेडर बोनस की ताकत पहचान सफल रेडर हो सकते हैं। डबल टच पॉइंट देखे अनुभव का फायदा उठाया कमजोरी साबित करता बलौदा इस वक्त डबल टच पॉइंट से अब कामयाबी की ओर। रेणुका से अपेक्षाएं हैं लेकिन इस वक्त दबाव नजर आता हुआ रेणुका के ऊपर। फिर से वही रेडर दिखाई दे रही है बार बार उदयपुर वाटी की स्टार रेडर प्रयासरत और टच पॉइंट यहां खोज लिया।
सुपर टेकल से टच पॉइंट जीत करता हुआ उदयपुर वाटी तो एसटी कॉलेज बलौदा के ऊपर उदयपुर वाटी भारी सात के डिफेंस में इस वक्त रेणुका प्रयासरत लेकिन इतना आसान नहीं पॉइंट जीत करना। महर्षि परशुराम पीजी महाविद्यालय दाता से मैं गजानंद और रेडर आउट इस समय फिर से वही रेडर अब तक सबसे सफल रेडर है। बोनस की कोशिश की है और यहाँ अब आसान अवसर रोल आउट करने का बिल्कुल बाहर से अंदर नहीं आ सकते अनुभव की कमी और ऑल आउट के साथ ही अच्छी स्थिति में इस समय उदयपुर वाटी एक नंबर में इस वक्त है बलौदा। रेडर को नाम क्या है अनु से अपेक्षाएं लेकिन टीम थोड़ी सी दबाव में खामोशियों में ही अनु और ये रेडर निश्चित रूप से टीम की रीड है। पीछे बोनस की कोशिश बोनस अर्जित किया दो स्कोर इस समय जो येलो पोशाक में है एसडी कॉलेज बलौदा जबकि 12 है उदयपुर वाटी यानी अब 13 पे पहुंचता हुआ बोनस के साथ 13 तो का स्कोर 11 अंक की बढ़त फर्स्ट हाफ का खेल संकट की घड़ी में इस वक्त बलौदा थाई होल्ड मजबूत पकड़ और यहाँ उदयपुर वाटी निश्चित रूप से जबरदस्त डिफेंस साबित करता हुआ एक ही रेडर लगातार आ रही थी। पहली बार रेडर चेंज किया गया है इस मैच में क्योंकि एक ही रेडर बार बार जाएगा तो थकान का शिकार ना हो जाए कहीं ऐसे में दूसरे रेडर को भी अवसर देने की कोशिश आत्मविश्वास की कमी है उदयपुर वाटी टीम की अगर बात की जाए तो रेणु का और रेणु का शिकार हो गई धक्का देकर बाहर धकेला रेडर फिर से आउट रेणु का सफल नहीं। एक नंबर में जो स्टार रेडर इसकी जितनी तारीफ है उतना कम है उदयपुर वाटी की ओर से उमदा स्टार बेहतरीन प्रदर्शन कॉलेजेज आपस में खेल रहे हैं इसके बाद यूनिवर्सिटियों का आपस में मुकाबले होंगे देखते हैं आखिर कौन खिताब जीतता है। और यहाँ डबल टच पॉइंट फिर चैनलों का फायदा उठाते हुए जबकि कमजोरी साबित करता है इस समय बलौदा एक बार फिर सात नंबर पहचान संख्या से धक्का दिया बाहर धकेला कहीं चोट ना लग जाए रेडर आउट पूरी ताकत झोंकता उदयपुर वाटी और बेहद मजबूत बढ़त पे ये रेडर जो कि सबसे सफल हैं और यहाँ माननीय विधायक का स्वागत किया जा रहा है सफा पहना कर स्वागत के ये पल ऑनरेबल डायरेक्टर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार जी शर्मा के द्वारा वेलकम इधर से पॉइंट गंवाता बलौदा और यहाँ तलवार भेंट करते हुए देखिए सम्मान किया जा रहा माननीय विधायक का दातारामगढ़ से और यहाँ बेहतरीन कैच देखे दूसरी बार ऑल आउट उदयपुर वाटी के सामने एसडी कॉलेज बलौदा स्वागत के ये पल इस समय और यहाँ सुरेश कुमार जी शर्मा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय विधायक के साथ है स्वागत की ये पल थैंक यू सो मच वेलकम मोमेंट 22 पे पहुँचता 22 वक्त उदयपुर वाटी जबकि 2 पे है एसडी कॉलेज बलौदा तो काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है जबकि फर्स्ट हाफ का खेल इस वक्त और यहां फिर से कमजोरी साबित की है 23वां पॉइंट जोड़ दीजिए उदयपुर वाटी के वाटिका में 21 अंक आगे हो चुका है एसडी बलौदा से रेडर आउट लॉबी में चले गए और यहां अंक गंवा दिया अनुभव की कमी कमजोरी साबित करता हुआ जबकि भरपूर फायदा उठाया उदयपुर वाटी की टीम ने फर्स्ट हाफ का खेल 5 के डिफेंस में इस समय जूझता हुआ और आसान सा अंक फिर से देखिए 25वां पॉइंट
25 दो 23 अंक की बढ़त है। वापसी का तैयार साथ नहीं, 7 नंबर पहचान संख्या में इस समय अनु है शायद। संकट बेहद दबाव में दुधिया प्रकाश में इस समय देख रहे हैं आप, और यहां धक्का देकर बाहर धकेला। दर्शक दीर्घाओं में की ओर मंच की साइड पुश किया राइट कॉर्नर से। 26 पे पहुंचता हुआ, जबकि 3 का डिफेंस है। फर्स्ट हाफ का समय नजदीक है। 24 अंक की बढ़त बनाता हुआ अच्छी स्थिति में इस वक्त उदयपुर वाटी, जबकि एसटी कॉलेज बलवदा पीछे ही बढ़ता जा रहा है आगे बढ़ने की बजाय। 13 नंबर से रेणु का देखते हैं, रेणु का यहाँ टच पॉइंट जीत कर पाते कि नहीं। थाई पे पकड़ मजबूत और बड़ी राइड इस वक्त बड़ी देर से, डबल टच पॉइंट हो सकते हैं या फिर सुपर राइड। जी हाँ, वापसी की कोशिश में जरूर है, लेकिन यहाँ गलतियाँ और फायदा उठाता उदयपुर वाटी। 27वां पॉइंट, 27 रेणु का इस वक्त दूधिया रोशनी में दबाव में नजर आ रही है। पांच के डिफेंस में चार का डिफेंस, और यहाँ जबरदस्त होल्ड किया लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गई आखिर, बड़ी रेड टच पॉइंट सिंगल। अब 11 नंबर से कंधे झुके हुए मौके की तलाश में इस वक्त अंशु, स्टार रेडर तो नहीं कह सकते लेकिन अपेक्षाएं उनसे जरूर बड़ी होगी टीम को बलौदा। और यहाँ बलौदा इस समय शिकार हो गई, लगातार फायदा उठाता वही समय उदयपुर वाटी। फिर से ऑल आउट का खतरा, दो बार पहले ऑल आउट हो चुका है, तीसरी बार सर पे ऑल आउट की तलवार लटक रही है। रेणुका कॉर्नर पे दूसरे सामने उनकी सहेली, बचाव करना मुश्किल। देखते हैं टेकल कर पाते हैं कि नहीं, टोटस की कोशिश, टच पॉइंट देखते मिलेगा कि नहीं। खामोशी वापस रेणुका चले हैं। रेणुका हौसला तो बहुत बढ़ाया है लेकिन इन्होंने स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ाया अब तक, निराशा ही हाथ लगी है अधिकतर, उसी के दबाव में प्रेशर दिखाई दे रहा है। और एंगल होल्ड का शिकार लीजिए, अब बिल्कुल जाएगा ऑल आउट की कगार पे, बिल्कुल आसान अवसर हो। अंतिम डिफेंडर है सुपर टेकल ऑल, लेकिन बेहद कठिन। ये लीजिए, इसके साथ ही तीसरी बार एसडी कॉलेज बलौदा ऑल आउट। स्कोर बढ़ता हुआ उदयपुर वाटी 30, जबकि एसडी कॉलेज बलौदा 5 यानी 25 अंक की बढ़त। इसलिए आपको अगले मैच की ओर ले चलते हैं, क्योंकि वन साइडेड मुकाबला और जीत यहाँ उदयपुर वाटी की लगभग तय है। शुक्रिया ऑनरेबल डायरेक्टर सर रिस्पेक्टेड सुरेश कुमार जी शर्मा। इसमें टी टाइम गपशप